से आज आप प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं, क्या अभी तक कोई आश्वासन किसी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई आपको आया अभी तक? हमको आज 18वां दिन है यहाँ बैठे हुए, अभी तक हमें आश्वासन तो क्या किसी ने पूछा भी नहीं यहाँ आके एडमिनिस्ट्रेशन से कि आप क्यों बैठे हुए हो यहाँ पे। अभी तक कोई नहीं आया हमारे पास। हमारे यहाँ से 8 से 10 बच्चे बीमार हो गए, हॉस्पिटलाइज हुए और वो ठीक होके वापस यहाँ पे आके वापस भी बैठे हुए हैं, लेकिन अभी तक कोई नहीं आया हमसे कुछ पूछने के लिए। कुछ दिन पहले यहाँ पर जी उन्होंने हमें कोई आश्वासन नहीं दिया फिलहाल, लेकिन हाँ उन्होंने ये ज़रूर कहा था कि अभी आपकी इंक्वायरी की रिपोर्ट सबमिट नहीं हुई है, कुछ पब्लिक नहीं हुआ है, आप पैनिक होके बिना मतलब यहाँ बैठ गए हो, पहले कमेटी की जो रिपोर्ट आएगी फाइनलाइज होगी। हाँ उन्होंने हमसे हमारे साथ सिंपथी ज़रूर व्यक्त की कि मुझे पूरी सिंपथी आप लोगों के साथ, आप लोग हार्ड वर्किंग कैंडिडेट्स हो वो दिख रहा है यहाँ काफ़ी देर से बैठे हो, लेकिन आपको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, आपके साथ इंसाफ होगा। तो आप क्या मांग करते हैं सरकार से, एलजी साहब? हम एलजी सर से यही मांग कर रहे हैं कि अभी तक कुछ ऐसा अगर इरेगुलरिटी या कुछ ऐसा होता तो वो सामने आ गया होता, अभी तक कुछ नहीं आया है। और ना ही अब हमें भी काफ़ी दिन हो गए हैं, एक दूसरे से हमारी जान पहचान हो चुकी है, एक दूसरे को हम बहुत अच्छे तरह से जानते हैं यहाँ पे। ऑलमोस्ट सभी कैंडिडेट्स जो हैं वो यहाँ पे होते हैं बारी बारी अल्टरनेट डेज पे, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी दूर दूर से भी आते हैं कैंडिडेट्स। आज केएस का एग्ज़ाम था इसीलिए काफ़ी सारे स्टूडेंट्स यहाँ से गए हुए थे, तो अब हम सब एक दूसरे को जानते हैं और हमें नहीं लगता कि इसमें कुछ ऐसा है। हमें यही है कि हमारा प्रोसेस जल्दी कम्प्लीट हो, हमें अश्योर किया जाए, सिलेक्शन लिस्ट लाई जाए। बाकी अगर उनके बिहाफ पे या उनके साइड से कुछ ऐसा प्रॉब्लम है, जैसे एग्ज़ाम कंडक्ट के टाइम कंडक्ट होने के टाइम अगर कोई प्रॉब्लम हुई है तो दैट इज़ देयर फॉल्ट, उनको अपने साइड से लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए थी, उसकी पनिशमेंट वो हमें ना दे, हमारी यही डिमांड है।